Good morning, everyone. Good morning. Hello all, good morning to everybody. I hope my voice is reaching all of you and I am audible and I am visible. If so, please let me know through comment. Chalo, crack BPSC with India's largest learning platform that is Unacademy. Here I am, Pallavi Sharma, done MA in history. I have done MA in education. I have been teaching to BPSC, JPSC aspirants. Since 2017, I have teaching experience of more than 7 years. अभी यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अनएकेडमी नहीं, अनएकेडमी के तरफ से एक अनाउंसमेंट है आपके लिए। जानना बहुत जरूरी है कि अनएकेडमी 67th बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रेपरेशन का स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस सेशन लेकर के आया है और यहाँ पे बिहार एसआई प्रैक्टिस सेशन होगा। यहाँ पे आप देखो कि गोल्डन चांस है आपके पास योर प्रिपरेशन को शुरू करने का 67th बीपीएससी एग्जाम के लिए, जहां पे 3 days लाइव फ्री क्लासेस फेस्टिवल हुआ 9th, 10th एंड 11th जनवरी को। यहाँ पे हमारे जो एडुकेटर हैं अनूप कुमार सिन्हा सर, उन्होंने फ्री सेशन दिया था। इन्होंने स्ट्रैटेजी वगैरह सबको डिस्कस किया था कि 66 बीपीएससी मेंस को आप किस तरीके से कवर कर सकते हो। इसमें बहुत अच्छे तरीके से लाइव उन्होंने कंडक्ट किया था ये सेशन। यहाँ पे डेली T20 के यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट होने हैं सीरीज फॉर बीपीएससी, जिसके हमारा जो क्वेश्चंस पेपर होगा वो टॉप एडुकेटर्स उसको फ्रेम करेंगे और उसको एनालिसिस भी हमारे टॉप एडुकेटर्स करेंगे। टाइम रहेगा मंडे टू फ्राइडे 8 बजे। यहाँ पे देखो बिहार एसआई प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट होगा हर शनिवार को और फ्री बीपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट होगा हर संडे को। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, एक बार देख लो, क्योंकि जो भी बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं एसआई प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारा चीज देखना। यहाँ पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है, अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेनिफिट्स कि आप अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हो, वो भी लाइव। यहाँ पे हमारा कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होता है इस तरीके से कि हम सारे कोर्सेज सारे पोर्शन को कंप्लीट कराते हैं सिलेबस का। हमारा जो बैचेस है अलग अलग कोर्स अलग अलग एग्जाम्स के लिए है। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जहाँ पे आप अपने एडुकेटर से सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप इंटरैक्ट कर सकते हो अपने टीचर्स से पोल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, क्विजेस के थ्रू। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो आप किसी भी मोबाइल से, किसी भी गैजेट्स के थ्रू। ठीक है, और लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो अपने टीचर्स का आप सुन सकते हो, ऑफलाइन वॉच कर सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ और नोट्स मिलेंगे आपको। प्री क्लासेस वर्सेस प्लस क्लासेस के क्या फायदे हैं, तो यहाँ पे पहले देखो कि प्लस क्लासेस का फायदा क्या क्या। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस होगा, प्रैक्टिस बहुत सारे होंगे और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस आएगा। अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सारे डाउट्स हमारे टॉप एडुकेटर्स के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे अनअकैडमी के मेगा बैचेस फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के शुरू हो रहे हैं। एक है विजय बीपीएससी फाउंडेशन बैच 12 जनवरी 2021 से लेकर 10 अक्टूबर 2021 तक इसका स्टार्टिंग एंड एंड डेट है। दूसरा लक्ष्य बीपीएससी, ठीक है, 66 बीपीएससी मेंस को फोकस कर रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो 66 बीपीएससी मेंस का बैच है, 11 जनवरी से शुरू होगा और 60 दिन का ये कोर्स है। और एक टारगेट बीपीएससी फाउंडेशन इंग्लिश फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए है। यहाँ पे इसके डिटेल्स के बारे में दिया हुआ है। अब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे, तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो।
फिर अपने कोर्स को सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे जब बारी आता है पेमेंट करने का, तो आपका जो भी पेमेंट रहेगा किसी भी कोर्स का, आप मेरे रेफरल कोड को इस्तेमाल करो, दैट इज PSYT, और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो, ठीक है, क्विज, जितना भी नोट्स है, लर्निंग मटेरियल है, सब आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप वीकली क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए लेट्स क्रैक बिहार चैनल को, और अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलो आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट साउथ इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे, ओके। लेकिन आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड देखेंगे, साउथ इंडिया का बैकग्राउंड देखेंगे, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम पोस्ट मौर्यन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग मौर्यन पीरियड के बाद का टाइम पीरियड देखेंगे अभी। तो इस सारी चीजों के लिए कुछ कुछ बातें बहुत जरूरी है आपके लिए समझना, कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला देखो कि अभी तक हमने क्या क्या बातें कवर कर ली। तो हमने पोस्ट मौर्यन पीरियड कंप्लीट कवर किया। पोस्ट मौर्यन पीरियड में कहीं ना कहीं हमने देखा कि किस तरीके से मौर्यंस के बाद अलग अलग तरीके से इंडिया में इन्वेजन हुआ, कुछ नेटिव रूलर्स के द्वारा। नेटिव रूलर्स में हमने सतवानास को देखा। उसके बाद अगर बात करो तो फिर हमने देखा फॉरेन्स, कि कैसे फॉरेनर्स ने इन्वेड किया इंडिया को, जहां पे हमने ग्रीक को देखा, शाकास को देखा, उसके बाद हमने कुशांस को देखा, पार्थियंस को देखा, और हमने सिसैनियन को देखा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो हमने अभी तक ये देखा कि मौर्यंस जो टाइम पीरियड था, जो इतना प्रोमिनेंट टाइम पीरियड था, आखिर मौर्यंस का डिक्लाइन के बाद और गुप्ता के टाइम पीरियड के शुरुआत के पहले का इंडिया कैसा था। यानी कि अभी तक की क्लास में हमने मौर्यंस के बाद पोस्ट मौर्यन से लेकर के अशोक, जो आपका गुप्ता पीरियड है, उसके बीच का टाइम पीरियड इंडिया में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हमने देखी, जहां पे हमने कहीं ना कहीं इंडिया को अलग अलग तरीके से इन्वेड होते हुए देखा, जहां पे कुछ नेटिव रूलर्स आए उन्होंने अपने पावर को हाईलाइट किया, तो कुछ फॉरेनर्स आए उन्होंने अपने पावर को यहाँ पे स्टैब्लिश किया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आज हम देखेंगे साउथ इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, कि उस टाइम पीरियड में साउथ इंडिया में क्या क्या हो रहा था। तो बेसिकली हम तीन किंगडम के बारे में आज की क्लास में देखेंगे, चोलास के बारे में, चीरास के बारे में और पांड्यास के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में हमको साउथ इंडिया, दैट इज मौर्यन पीरियड के बाद का जो फेज है, उस समय साउथ इंडिया में ट्रिपल टाइट स्ट्रगल चल रहा था, चोलास, चेरास और पांड्यास के बीच में, ये सारी चीजें देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ये बहुत जरूरी है, मेगालिथिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब जानो बात को कि ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर क्या है। तो मेगालिथिक मतलब होता है, लिथ मतलब क्या होता है, लिथ का मतलब होता है स्टोन, और मेगा मतलब होता है बिग। तो बेसिकली साउथ इंडिया का हम वो सारा साइट्स देखेंगे जहां पे बिग स्टोन सेटलमेंट हुआ। और विश्वास करो, ये सारी चीजों के बारे में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आज भी रहस्य का केंद्र है। आज भी बहुत सारे जो मुद्दे हैं इसको लेकर के, ये कहीं ना कहीं बहुत गरमाए हुए मुद्दे होते हैं, कि क्या इनको हमें वर्ल्ड हेरिटेज में डालना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज हैं चौंकाने वाले, जो कि मेगालिथिक स्ट्रक्चर, मेगालिथिक साइट्स की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। और मेगालिथिक, जहां पे भी ये टर्म आएगा अभी के बाद, तो मेगालिथिक का मतलब होता बिग स्टोन का जो सेटलमेंट हो रहा था उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे हम देखेंगे कि संगम लिटरेचर का क्या मतलब है। बहुत बारी सुनने में आता है संगम लिटरेचर, संगम टेक्स्ट, तो आखिर ये संगम लिटरेचर है क्या। हम आज की क्लास में चोलास, चेरास और पांड्यास के बारे में देखेंगे, सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे, आर्मी देखेंगे, और इस चीज पे फोकस करेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर हुआ, ये स्टेट फॉर्मेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, ये कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में काफी बाद हुआ, ठीक है।
यानी कि साउथ इंडिया का जो स्टेट फॉर्मेशन था एज कंपेयर टू द नॉर्थ, ये बाद में हुआ है, लेटर पार्ट में हुआ है। तो ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं ये देखेंगे, अगर आपको याद होगा हमने मगध का फॉर्मेशन देखा था, और मगध के फॉर्मेशन में सबसे बड़ा कारण था कि मगध इतना ज्यादा एक डेवलप किया, एक इतने ज्यादा पावर में आया मगध, उसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन था आयरन। तो कहीं ना कहीं कैसे साउथ के लोग नॉर्थ के लोगों से कांटेक्ट में आ रहे हैं, और कांटेक्ट में आने के बाद यहाँ पे जो एक बहुत फेमस चीज था ये लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और किस तरीके से ये अपलैंड, ये जो पहाड़ी इलाके में रहते थे उसको छोड़ करके ये प्लेन लैंड में सेटल हो रहे हैं ये लोग। इनकी जो बहुत सारे फॉरेस्ट थे, आयरन के टूल से ये लोग कैसे फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है तो सरप्लस एग्रीकल्चर हो रहा है, जिससे प्रोडक्शन ना केवल अपने ही देश, अपने ही लोकैलिटीज तक सीमित है, बल्कि वो एक व्यापार का रूप ले रहा है। तो आज की क्लास में ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हम सेशन। तो मेगालिथिक बैकग्राउंड के बारे में समझो कि मेगालिथिक बैकग्राउंड क्या है। अब दिमाग लगाओ कि आखिर ऐसा क्या होता है कि हम प्री हिस्टोरिक से हिस्टोरिक पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है? अब प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड है क्या? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में और हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि देखो हमने हिस्ट्री को तीन पार्ट में अगर बांटो, अगर टाइम लाइन्स को बांटो, तो यहाँ पे प्री हिस्टोरिक पीरियड नजर आएगा, फिर यहाँ पे एक प्रोटो हिस्ट्री नजर आएगा बेसिकली, ठीक है, और कहीं ना कहीं हिस्टोरिक नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री की ओर मूव कर रहे हैं। ये जो बदलाव आ रहा है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? ये सारा बदलाव कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे प्री हिस्ट्री से हम हिस्ट्री को और मूव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बात करो तो टूल्स आएंगे कि क्या क्या टूल्स हमने, क्या क्या हथियार, या फिर क्या क्या हमने अलग अलग टूल्स इस्तेमाल किया, कैसे कैसे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कैसे कैसे एक स्टेट फॉर्म होगा आपका, जब ट्रेड रिलेशन होगा स्टेट फॉर्म होता है, फिर राइटिंग्स के बेसिस पे अगर देखो तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे हम प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री में मूव करेंगे, जहां पे हम लेस डेवलप से डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे और पूर्ण रूप से डेवलप्ड होंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो शिफ्ट होता है, गुड मॉर्निंग, ये जो शिफ्ट होता है प्री हिस्ट्री से हिस्टोरिक की ओर, तो ये अपने साथ साथ बहुत सारे बदलाव लेकर के आता है, ठीक है? जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड में मूव करते हैं तो बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा चेंजेस क्या आया? तो बहुत सारा सेटलमेंट आया नया नया। अब नया नया सेटलमेंट का मतलब है जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे, अगर बात करो पेलियोलॉथिक का या फिर मिसोलिथिक का, तो कैसे ये हंटर गैदरर से एक सेटल्ड लाइफ की ओर आए, कैसे कहीं ना कहीं राइटिंग सिस्टम डेवलप किया, कैसे एग्रीकल्चर के फील्ड में अलग अलग टूल्स आया जिसके कारण उन्होंने जंगल को क्लियर करके एग्रीकल्चर सेट करने का सोचा। तो ये सारे बदलाव आते हैं जब हम मूव करते हैं प्री हिस्ट्री से हिस्ट्री की ओर। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स देखना है कि किस तरीके से एक शहरीकरण, एक स्टेट फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है, और एक स्टेट फॉर्म होगा तो एक सामाजिक, पहले क्या थे लोग, सब हंटर गैदरर थे, तो वैसा कोई सोशल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब एक सेटलमेंट होता है, लोग एक जगह सेट होते हैं, तो कोई रूलिंग क्लास रहेगा, कोई अलग अलग वर्ग का सामाजिक लोग रहेंगे, तो ये सोशल जो क्लास है, ये जो वर्ग में बट गया समाज, ये किस तरीके से फॉर्म हुआ, इन सारी चीजों का बदलाव होता है। राइटिंग्स आते हैं क्योंकि व्यापार हो रहे हैं, तो व्यापार के लिए राइटिंग्स, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग, राइटिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी थे व्यापार के लिए क्योंकि वो एक प्रूफ का काम करता था। तो धीरे धीरे राइटिंग इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो प्री हिस्ट्री से प्रोटो हिस्ट्री में सबसे बड़ा अंतर क्या है? प्री हिस्ट्री में राइटिंग का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, लेकिन प्रोटो हिस्ट्री, जब हड़प्पा का बात करो तो हड़प्पा के टाइम पीरियड में हमें बहुत सारा रिटन मटेरियल मिला है,
वो बात अलग है कि हमने उसको डेसिफर नहीं किया, तो बहुत सारे इंट्रोडक्शन होंगे राइटिंग्स के, फिर कॉइन आएंगे क्योंकि आप व्यापार कर रहे हो, आपको नॉलेज है कि गोल्ड गोल्ड के बारे में, गोल्ड इंट्रोड्यूस हो चुका है, कॉपर इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इससे कॉइन का फॉर्मेशन होगा धीरे धीरे, लिटरेचर बनेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हम शिफ्ट करते हैं, ये जो प्री हिस्ट्री से हम हिस्टोरिकल पीरियड में शिफ्ट करते हैं, साथ साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, समाज में बदलाव, राइटिंग्स, कॉमर्स, कॉइन, ये सारी चीजों में बदलाव आते रहते हैं। लेकिन ये सारे जो चेंजेस आए, एक स्टेट फॉर्मेशन हुआ, एग्रीकल्चर आया, ये सारा चीज एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड अदर एरिया, ये साउथ में बहुत बाद आया है। ठीक है, ये साउथ में शुरुआत से ही नहीं हुआ, साउथ के लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। हेलो, गुड मॉर्निंग, इट इज हिस्ट्री, ओके, आई एम टीचिंग हिस्ट्री फॉर बीपीएससी, ओके, और अभी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, और एंशियंट हिस्ट्री का साउथ इंडिया का जो पार्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, की मॉरियंस के बाद साउथ इंडिया की हिस्ट्री का क्या था कॉन्सेप्ट, वो सारा चीज देखेंगे आज की क्लास में, जहां पे चेरास, चोलास और पांड्यास का जो किंगडम था उसको डीप स्टडी करना है हम लोग, ओके। और नेक्स्ट क्लास में हमारा गुप्ता पीरियड शुरू होगा, और गुप्ता पीरियड के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं इसमें। तो एक चीज याद रखो, ये जो स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो अलग अलग चीजें फॉर्म हो रही है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये साउथ इंडिया में काफी बाद में हुआ एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। अब नॉर्थ इंडिया में क्या था, नॉर्थ इंडिया में मगध जैसा किंगडम आया, मगध जैसा किंगडम आया, और साउथ इंडिया का आप नेचुरल, आप वहां पे चीजों को देखो, रिसोर्सेस को देखो, तो नेचुरल रिसोर्सेस में आयरन के बारे में लोगों को पता चल गया। अब आयरन के कारण एक मगध जो है एक एम्पायर के रूप में बिल्ड हुआ, तो कहीं ना कहीं ये साउथ इंडिया के लोग जब मगध के कांटेक्ट में आए, जब नॉर्थ के कांटेक्ट में आए, तो इनको आइडिया आई। तो ये सारे जो डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो, ये सारे डेवलपमेंट एज कंपेयर टू नॉर्थ, साउथ में काफी बाद में आया। अब यहाँ पे देखो मेगालिथिक स्ट्रक्चर, बात को समझो। अब ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर होता क्या है, तो मेगालिथिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है बिग, दैट इज लार्ज, और लिथ्स का मतलब होता है, या फिर लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो हमें साउथ में बहुत सारे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले। अब व्हाट इज मेगालिथिक स्ट्रक्चर, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करके सेटलमेंट होता था। बहुत सारे हमें साइट्स मिले हैं जहां पे मेगालिथिक बड़े बड़े स्टोन का ये लोग कैसे यूज करते थे, वो भी फ्यूनरल एक्टिविटीज में, यानी कि मरने के बाद डेड बॉडी का जब दफनाया जाता था, उसमें कैसे ये लोग बड़े बड़े स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, उस टाइम का हिस्ट्री आज तक बहुत ज्यादा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लोगों का, कि ये जो कॉन्सेप्ट था मरने के बाद एक अलग लाइफ होती है, वो कैसे कैसे बड़े स्टोन को डेड बॉडी के साथ साथ सर्कल में कर देते थे, ये सारी चीजों के बारे में देखना है। तो मेगालिथिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बिग स्टोन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या इस्तेमाल किया इन्होंने, और किस तरीके से साउथ इंडिया के बारे में बात किया जाए, तो मेगालिथ्स का इस्तेमाल का मतलब है यहाँ पे रहने के लिए बेसिकली नहीं, ये लोग क्या करते थे, ये बड़े स्टोन का इस्तेमाल करते थे दफनाने के लिए, यानी कि मरने के बाद जब डेड बॉडी को दफनाई जाती थी तो उसके लिए ये लोग मेगालिथिक स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। दो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, दो पिक्चर दिया हुआ है, उसके थ्रू समझो। एक तो इस तरीके से ये लोग इरेक्टेड बड़े बड़े स्टोन को रख देते थे, उसके ऊपर एक बड़ा स्टोन कर देते थे, और यहाँ पे डेड बॉडी को ये लोग रखते थे, यहाँ पे 3D तरीके से दिया हुआ है समझो। और दूसरा है, यहाँ पे साउथ इंडिया के एक साइट से हमें मिला है कि डेड बॉडी को दफनाया गया है, और डेड बॉडी को दफनाने के बाद बहुत सारे सामान उसके साथ दफनाए गए हैं, यानी कि डेड बॉडी के साथ बहुत सारा सामान दफनाया गया, और उसके बाद बहुत बड़े बड़े स्टोन को सर्किल में करके रख दिया गया। तो ये जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली इसलिए फेमस है
पीपीटी हिंदी में नहीं है, बिकॉज मेरा जो यहाँ पे बेसिक है कि इंग्लिश में पीपीटी रहेगा और हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगी उसको, ठीक है। और अगर आपको पीपीटीज हिंदी में चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन एक बार आप समझने की कोशिश करो, जो भी बात दी गई है उसको हम हिंदी में ही समझा रहे हैं, ताकि आपको, ये श्रेया गुड मॉर्निंग, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। और अगर किसी शब्द में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उस शब्द का पूछिए कि क्या है, वो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। हमारा अनअकैडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में लिंक है दिया हुआ, आप उसको फॉलो कीजिए, वहां पे आपको प्रोबेबल सारे नोट्स मिल जाएंगे। ओके, अभी आ जाते हैं थोड़ा यहाँ पे। तो मेगालिथिक का मतलब होता है बड़े स्टोन से इस्तेमाल करते थे रहने के लिए नहीं, बल्कि डेड बॉडी को दफनाने के लिए। जहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे डेड बॉडी को जो दफनाया जाता था, ये बहुत यूनिक था साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में डेड बॉडी के साथ बहुत सारे सामान को भी दफनाया जाता था। अब सोचो, डेड बॉडी के साथ सामान को दफनाया जा रहा है। लोगों का मानना था कि मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद एक दूसरी दुनिया होती है जहां पे ये सारे सामान उनके कंफर्ट के लिए, उनके शानो शौकत में यूज आएंगे, ठीक है, वो लोग यूज कर सकते हैं। तो साउथ इंडिया का एक बहुत चौंकाने वाला, हमें दफनाने वाला जो प्रक्रिया है वो हमारे सामने आया है जब एक्सकेवेशन, जब खुदाई के द्वारा हमको बहुत सारी चीजें मिली है। तो डेड बॉडी के साथ बहुत सारे सामान को दफनाया जाता था और उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े पत्थर को सर्कल कर दिया जाता था, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि वो लोग का कॉन्सेप्ट था कि मरने के बाद भी दूसरी जिंदगी होती है, जहां पे ये जो सामान है सारे, चाहे कैटल्स हैं या फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है या फिर हथियार है, ये सारा उनके दूसरे जीवन में काम आएगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो बहुत सारे मेगालिथिक जो साइट्स है, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द साउथ इंडिया। बहुत, मतलब बहुत सारे जो मेगालिथिक साइट्स है, अभी मैप के थ्रू आगे दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा मेगालिथिक साइट्स है और क्या क्या हमें मिला है। तो सबसे पहले देखो, ये अगर देख पा रहे हो तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, ब्लैक रेड वेयर की पॉटरीज का एक मटेरियल कल्चर हुआ करता था। अब ब्लैक और रेड वेयर का, पॉटरीज का मतलब क्या है? ये लोग क्या करते थे उस समय में, बहुत सारे ब्लैक और रेड वेयर की पॉटरीज का इस्तेमाल करते थे। इवन जब डेड बॉडी को दफनाया जाता था तो डेड बॉडी को दफनाने का जब एक्सकवेशन में हमें मिला है बहुत सारे पॉटरीज, जिसमें डेड बॉडीज को पहले क्या किया जाता था, जला दिया जाता था, और उसके जो राख होते थे उस राख को एक अर्न, अर्न का मतलब होता है कलश, कलश में डाल करके दफनाया जाता था। तो ये हमें कॉन्सेप्ट मिला है, और इस पीरियड में हम बेसिकली ब्लैक और रेड वेयर पॉटरीज को देखेंगे। यहाँ पे डेड बॉडी के साथ सामान को दफनाने का मतलब है कि ये लोग दूसरे जिंदगी में विश्वास करते थे कि मरने के बाद दूसरी जिंदगी मिलेगी। अब देखो एक चीज, हमें बहुत सारे औजार मिले हैं जब हमने खुदाई किया, तो खुदाई के दौरान बहुत सारे अलग अलग औजार मिले हैं, जहां पे ट्रीडेंट्स भी मिले हैं। ट्रीडेंट्स मतलब जो त्रिशूल जैसा होता है, जो लॉर्ड शिवा के साथ आप रिलेट कर सकते हो। तो साउथ इंडिया के बहुत सारे जब प्लेसेस को हमने खुदाई किया, वहां पे अलग अलग हमें औजार मिले, एरो हेड्स मिला, स्पीयर हेड्स मिला, होज और सिकल्स मिले, जहां पे ट्रीडेंट्स भी मिला है। ट्रीडेंट्स का मतलब होता है एरो, एक त्रिशूल जैसा ऑब्जेक्ट जो बेसिकली लॉर्ड शिवा के साथ एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे देखो मेगालिथिक टूल्स, मेगालिथिक साइट्स कौन कौन से हैं। तो अभी चिन्नलूर यहाँ पे नजर आएगा, ये जो है सर्कल किया हुआ, ये जो देखो सर्कल किया हुआ है, बेसिकली ये सब जो है ये सब मेगालिथिक साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन मटेरियल कल्चर हमें मिले हैं। अब यहाँ पे बात करें हम मेगालिथिक मींस, देखो मेगालिथिक, एक बात समझो पहले, ठीक है, आप बात समझिए। यहाँ पे मेगालिथिक का मतलब होता है, मेगा का मतलब होता है बिग, लार्ज,
और लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। अब एक बात समझो, प्री हिस्ट्री पीरियड, अगर तुमको शुरू से ही तुमने पढ़ा है तो प्री हिस्ट्री पीरियड को हमने अलग-अलग फेजेस में बांटा, जहां पे हमने देखा कि पैलियोलिथिक पीरियड था। पैलियोलिथिक का मतलब ओल्ड स्टोन एज था। अब देखो, लिथिक का मतलब, जहां पे भी लिथिक शब्द आएगा इसका मतलब होता है स्टोन से रिलेटेड। तो हमें साउथ इंडिया से बहुत सारे ऐसे साइट्स मिले हैं, स्ट्रक्चर मिले हैं, जहां पे बड़े स्टोन, ठीक है, मेगा मतलब बड़ा, लिथिक मतलब स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए? फ्यूनरल मतलब दाह संस्कार के लिए। आ रही है बात समझ में बेटा? अगर बात समझ में आ रही है तो कमेंट के थ्रू बता देना कि मेगालिथिक का मतलब होता है बड़े स्टोन का इस्तेमाल किया, साउथ इंडिया के बहुत सारे साइट से हमें देखने को मिला है, जहां पे बेसिकली रहने के लिए ये लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, दफनाने के लिए, डेड बॉडी को दफनाने के लिए ये लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, तो अभी एक और चीज, फायदा देखो, इंग्लिश में आपके पास अगर नोट्स है, और ये जो जितनी भी चीजें मैं कवर करा रही हूँ ये वन ऑफ द फेमस बुक की है जिसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपका लर्निंग बहुत अच्छा हो। आर एस शर्मा की जो बुक है उसके उसके थ्रू जा रही हूँ, ठीक है? तो आप एक काम करो कि ये सारे जितनी भी चीजें आपको मिल रही हैं मटेरियल, आप एक बार इसको हिंदी में समझो। अब जब आप मेंस के लिए नोट्स बनाओगे तो आप उसमें और सारी चीजें ऐड करोगे ताकि आपकी लर्निंग और ज्यादा स्ट्रांग होगी, और आपको किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम होगा, कोई भी दिक्कत होगा, आप उसी टाइम पूछो कमेंट के थ्रू, और हम लोग हैं यहाँ पे समझाने के लिए। तो स्लाइड हिंदी में रहे, इंग्लिश में रहे, उससे मैटर नहीं है। मैटर ये होता है कि आपको कितना कंटेंट समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो आ जाओ, साउथ इंडिया के किंगडम के बारे में देखो। साउथ इंडिया का जो किंगडम था वो बेसिकली अगर बात करो तो चोलास, चीरास और पांड्यास, ठीक है? चोलास, चीरास और पांड्यास, इन सब में अपना ही एक स्ट्रगल चल रहा था जिसको बोला जाता है ट्रिपरटाइट स्ट्रगल। तो साउथ इंडिया के जो किंगडम है, यहाँ पे चोलास है, चीरास है और पांड्यास है, हम लोग मैप के द्वारा अच्छे से उसको समझेंगे। और अब हिस्ट्री में हम बात करते प्रूफ का, कि क्या है प्रूफ इसके बारे में। तो बेसिकली जब आप अशोका का इंस्क्रिप्शन देखोगे तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में चोलास, चीरास और पांड्यास का जिक्र किया गया है, ठीक है? कि अशोका के इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें पता चलता है कि चोलास, चीरास और पांड्यास अलग-अलग किंगडम साउथ में थे। अब देखो फीचर, इसका फीचर क्या था? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे जो डेड बॉडी होता था, यहाँ पे एक शब्द अगर देखो तुम तो अर्न का इस्तेमाल किया मैंने। अर्न मतलब होता है कलश, ठीक है? बेसिकली अर्न का मतलब होता है कलश। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर था, अच्छा ओके सुनो, अब मैं हिंदी में पीपीटीज बनाऊंगी, ठीक है? कोशिश करूंगी हिंदी में पीपीटीज बनाने का ताकि आपको परेशानी ना हो, हम समझ भी जाए अच्छे से, पीपीटी भी हिंदी में रहेगा ताकि आपका लर्निंग मटेरियल अच्छा हो सके, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, थैंक यू फॉर योर सजेशन। आई विल पूरा मैं कोशिश करूंगी हिंदी में पीपीटीज बनाने का, ठीक है? चलो अभी जो इंग्लिश में पीपीटीज है आज के लिए उसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद जो पीपीटीज रहेगा कोशिश करेंगे कि हिंदी रहे उसमें ज्यादा से ज्यादा। ओके ठीक है, चलो कल से जो हम लोग गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड का जो पीपीटीज रहेगा वो प्रोबेबली मैं हिंदी में बनाने का कोशिश करूंगी, ओके? और हमारा जो लर्निंग होगा वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे हम लोग उसके द्वारा। थैंक्स टू यू फॉर द सजेशन, पूरा मैं कोशिश करूंगी उसको फॉलो करने का। चलो अभी आ जाओ, यहाँ पे डेड बॉडीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो डेड बॉडीज के बारे में बात करो कि ये मेगालिथिक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फीचर क्या है, विशेषता क्या है? तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये देखने को मिलती है कि यहाँ पे क्या होता था, पहले डेड बॉडी को जला दिया जाता था, ठीक है, क्रिमेशन कर दिया जाता था। और डेड बॉडी को जलाने के बाद क्या होता था, उसकी जो राख होती थी, एशेज,
मतलब जो राखें होती थी उसको एक कलश में डाल दिया जाता था, और कलश में राख को डालने के बाद उसको दफना दिया जाता था। तो एक बहुत बड़ा फीचर है मेगालिथिक कल्चर का कि डेड बॉडी को पहले उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था, उसको जला दिया जाता था, उसके जो राख होते थे उसको कलश में डाल करके उसके बाद उसको दफनाया जाता था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो अर्न ब्यूरियल है, अर्न ब्यूरियल, ये अर्न ब्यूरियल है क्या आखिर? देखो, दो तरीके से दफनाया जाता था डेड बॉडी को। अगर बात करो तो साउथ इंडिया का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग रहा। डेड बॉडी को दफनाने का दो एक था कि आप एक क्या करो, एक गड्ढा करो। पिट का मतलब होता है गड्ढा, आप जमीन के अंदर गड्ढा करो और गड्ढा करने के बाद डेड बॉडी को दफना दो, एक ये तरीका होता था। ठीक है, और दूसरा तरीका होता था अर्न ब्यूरियल। अब अर्न ब्यूरियल क्या है? अर्न ब्यूरियल का मतलब है कि जो डेड बॉडी है उसको जला दो, जलाने के बाद जो उसके राख है उसको कलश में डाल करके उसको दफना दो। तो दो तरीके से दफनाने की प्रक्रिया है, एक तो गड्ढे करने के बाद और दूसरा उसका जो राख रहेगा उसको हम लोग बरी करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे साउथ इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत बाद में डेवलप किया, बहुत बाद में एग्रीकल्चर डेवलप करता है साउथ इंडिया में। इनको आयरन का इस्तेमाल पता भी था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज्यादा आयरन के इस्तेमाल के कारण भी कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट नहीं किया। ठीक है, हालांकि ये लोग अलग अलग क्रॉप्स को उगाते थे, बट ये लोग माउंटेनियस रीजन में रहना पसंद करते थे। ठीक है, माउंटेनियस जो रीजन होता था वहां रहना पसंद करते थे। ये लोग प्लेन लैंड में नहीं रहते थे जिसके कारण खेती पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब क्या है, ये लोग नॉर्थ, नॉर्थ में कौन है यहाँ पे? मगध। ये लोग नॉर्थ के कांटेक्ट में आए और नॉर्थ के कांटेक्ट में आने के बाद इन्होंने आयरन का भरपूर इस्तेमाल किया, और आयरन के इस्तेमाल करने के बाद इनको एक आइडिया आया कि किस तरीके से हम जंगलों को काट करके एग्रीकल्चरल लैंड में तब्दील करा सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक राज्य का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, चलो अभी हम लोग पढ़ाई पे फोकस कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। अभी देखो यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें तो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ, एक जो राज्य का फॉर्मेशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ मगध वगैरह में हो चुका है। ठीक है, मगध जो था सोलह महाजन पद में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और मगध में एक स्टेट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने आयरन का इस्तेमाल किया। आयरन के इस्तेमाल से उन्होंने हथियार बनाया जिसके कारण जो दूसरे दुश्मन थे उनको, इन लोगों को हराने में आसानी हुई, और एग्रीकल्चर में आयरन का इस्तेमाल करने करके इन्होंने खेत जुताई की, बहुत सारी चीजें की जिसके कारण खेती बहुत पॉसिबल हो पाया। अब अगर देखो तो ये लोग शुरुआत में क्या थे, ये लोग अपलैंड में रहते थे। अपलैंड बेसिकली पहाड़ी इलाके में रहते थे, पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। लेकिन धीरे 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 जब इनको पता चलने लगा आयरन के बारे में, तो ये लोग, अब अगर दिमाग में है तो ये लोग धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये लोग धीरे धीरे अपलैंड से कन्वर्ट हुए और नीचे की ओर प्लेन लैंड में आने लगे, और बहुत सारे रिवर्स हैं, कृष्णा एंड ऑल। तो यहाँ पे कावेरी रिवर्स का जिक्र किया गया है जिसके कारण यहाँ का जो लैंड था प्लेन लैंड का वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हुआ, उपजाऊ जमीन था। तो लोगों को समझ में आने लगा कि अपलैंड से हम मूव करके प्लेन लैंड में आएंगे, और प्लेन लैंड में जो जंगल है वो आयरन के इस्तेमाल से उस जंगलों को काटने की कोशिश करेंगे, और वहां पे खेती पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे रिवर है, रिवर के कारण वहां का जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ रहेगा। अब यहाँ पे स्टेट फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एक एक स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टेट फॉर्म कैसे करेगा? क्योंकि अगर देखो यहाँ पे जो साउथ इंडिया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मगध का बात करो नॉर्थ में,
तो कहीं ना कहीं यहाँ के मर्चेंट्स, मगध में क्या था, एग्रीकल्चर था और बहुत सारे व्यापार थे, ट्रेड थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पे मूव करते होंगे, यहाँ के व्यापारी फिर धीरे धीरे यहाँ पे मूव करते होंगे, दोनों का कनेक्शन हुआ होगा, दोनों का मिलन हुआ होगा, जहां पे इन्होंने अपना जो मटेरियल कल्चर है वो एक्सचेंज किया। साउथ इंडिया के लोग बहुत सारी चीजों को मगध से उन्होंने सीखा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बताई जा रही है कि किस तरीके से अलग अलग धार्मिक लोग, अलग अलग व्यापारी, अलग अलग जो लोग थे जो जीत हासिल करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, तो साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने अपने साथ बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट भी लाया था। उन्होंने अपने साथ आयरन की आइडियाज भी लाई थी कि आयरन का, हमारे यहाँ आयरन है तो किस तरीके से आयरन का इस्तेमाल करके खेती हो और हम अलग अलग तरीके का खेती कर सकते हैं। अब जब आयरन के बारे में इन लोगों को पता चला तो इन्होंने खेती किया, खेती किया तो यहाँ पे बहुत सारा फूड प्रोड्यूस हुआ, फूड प्रोड्यूस हुआ तो ये लोग अब व्यापार करने लगे और एग्रीकल्चर से इन्होंने टैक्स वसूला, तो ये सारी चीजों से एक सोशल क्लास का निर्माण होगा जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना, कि कल्चरल और इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट हो रहा था नॉर्थ और डीप साउथ में, यानी कि अगर देखो तो नॉर्थ इंडिया और साउथ में कल्चर और इकोनॉमिक, यानी कि व्यापार के द्वारा और कल्चर, एक दोनों का एक दूसरे से मिल रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये जो कल्चर और इकोनॉमिक जो कॉन्टैक्ट हुआ एक दूसरे को, एक दूसरे का, नॉर्थ का और साउथ का, उसको तमीज हकम कहा गया है। ओके, ये शब्द याद रखना कि जो साउथ और नॉर्थ का आपस में कल्चर और व्यापारिक संबंध बना उसको तमीज हकम कहा गया है। अब देखो यहाँ पे जो साउथ के साथ व्यापार होता था उसको दक्षिण पथ कहा गया था, ठीक है। दक्षिण पथ, याद होगा कि आपने जब मॉरियंस पीरियड के बारे में हमने पढ़ा था तो मॉरियंस पीरियड में क्या किया था उन्होंने, जस्ट अ मिनट, मॉरियंस पीरियड में इन्होंने अलग अलग प्रोविंस सेट किए थे जहां पे बीच में मगध को रखो अगर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे उत्तर पथ, दक्षिण पथ, अलग अलग पथ था, अलग अलग प्रोविंसेस था, तो नॉर्थ के लोगों को दक्षिण पथ में इनका बहुत ज्यादा आना जाना था, क्योंकि दक्षिण में बहुत सारी चीजें मिलती थी जैसे गोल्ड, पर्ल्स, ये सारी चीजें, और इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं नॉर्थ में बहुत वैल्यू था, ठीक है। यहाँ पे पांड्या जो किंगडम है, पांड्या किंगडम के बारे में हमें मेगेस्थनीज के किताब से भी पता चलता है, जब मेगेस्थनीज का अकाउंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसके द्वारा भी हमें, कॉन्करर्स का मतलब होता है विजेता, ठीक है, कॉन्करर्स का मतलब होता है जब एक लोग दूसरे, जैसे अलेक्जेंडर को देखो, अलेक्जेंडर क्या थे, एक कॉन्करर थे, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह उन्होंने अटैक किया और उनका सपना था कि एक वास्ट टेरिटरी को वो कॉन्कर्ड करे, मतलब जीत हासिल करे उसमें, तो कॉन्करर्स का मतलब होता है जो जीतता है। तो बेसिकली क्या होता था कि अपने एम्पायर, अपने राज्य को बड़ा करने के लिए, फैलाने के लिए एक राजा दूसरे जगह अटैक करता था और कॉन्कर्ड, उसमें जीत हासिल करने का कोशिश करता था। ओके, तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो नॉर्थ और साउथ का कॉन्टैक्ट हुआ था तो कॉन्करर्स के रूप में भी हुआ था, वो लोग साउथ को कॉन्कर्ड करने के लिए चाहते थे, वो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से साउथ में जाना चाहते थे, और कहीं ना कहीं अलग अलग जो धार्मिक संस्था फॉर्म हुआ था, अगर धार्मिक ग्रुप को देखो, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को, तो कहीं ना कहीं इसका प्रचार प्रसार करने के लिए भी आपसी इन लोगों का कॉन्टैक्ट हुआ होगा, और जिसके कारण एक दूसरे का कल्चर और जो मटेरियल है वो आदान प्रदान हुई होगी। अब देखो यहाँ पे अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शन के द्वारा हमें चोलास, पांड्यास और केरला पुत्रस, केरला पुत्रस का मतलब है कि चीरास का हम बात कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें पता चलता है। अब यहाँ से एग्जाम के लिए सवाल है आपका कि अशोका के किस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है पांड्यास के बारे में,
सत्य पुत्र के बारे में, केरल पुत्र के बारे में, ये सारे किंगडम्स के बारे में हमें अशोका के किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है? तो वो मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड, ये जो एडिक्स है उसका, उसके द्वारा ये बातें पता चलती है। तो एक तो हमें पांड्यास, चोलास और चीरास के बारे में एक तो अलग अलग लिटरेचर से पता चला। दूसरा, जब अशोका के इंस्क्रिप्शन को देखो तो उस इंस्क्रिप्शन में भी साउथ के इन सारे किंगडम को मेंशन किया गया। अब देखो, अशोका अशोका के लिए अगर शब्द देखो तो अशोका अपने लिए टाइटल, जो भी इंस्क्रिप्शन था अशोका का, उसमें अशोका अपने लिए टाइटल यूज करता था, डियर टू द गॉड्स, भगवान का प्रिय। लेकिन ये जो टाइटल था अशोका का, कहीं ना कहीं तमिल के जो चीफ्स होते थे उन्होंने भी ये अडॉप्ट किया था। अब देखो, कहीं ना कहीं नॉर्थ से आयरन मिला इनको, इनको आयरन के बारे में पता चला कि अच्छा आयरन के द्वारा हम लोग क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आयरन के द्वारा उन्होंने अलग अलग टूल्स बनाया। ये लोग जो पहले अपलैंड में रहते थे, पहाड़ी इलाके में, उससे ये लोग मूव करके प्लेन एरिया में सेट हुए होंगे, जहां पे रिवर की मदद से जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हुई होगी, और जो वास्ट जंगल था, जो बहुत बड़ा जंगल था, वास्ट एरिया ऑफ जंगल, उनको इन्होंने हथियार से काटा होगा, आयरन के मदद से पूरी कटाई की होगी, और उस फॉरेस्ट लैंड को इन्होंने तब्दील किया होगा, बदला होगा एग्रीकल्चरल लैंड में। अब अर्ली किंगडम्स का बात करो तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग को चोलास, पांड्यास, चीरास के बारे में पढ़ना, और चीरास और केरला एक है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग पांड्यास के बारे में बात करेंगे। तो पांड्यास के बारे में हमें मेगस्थनीस के अकाउंट से भी पता चलता है। तो मेगस्थनीस का जो अकाउंट है, मेगस्थनीस ने एक बहुत फेमस किताब लिखा था जिसका नाम आई से शुरू होता है। बताओ मुझे कमेंट के थ्रू कि मेगस्थनीस ने वो क्या लिखा था जिसका नाम आई से शुरू होता है। तो अगर हमें पता हो तो मेगस्थनीस के अकाउंट से हमें पांड्या के किंगडम्स के बारे में पता चलता है। और मेगस्थनीस ने ये कहा कि साउथ में जो किंगडम है पांड्या, वहां पे पुरुष प्रधान सोसाइटी नहीं है, बल्कि महिला प्रधान सोसाइटी है, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब महिला प्रधान सोसाइटी, यानी कि वहां की जो पूरा का पूरा किंगडम है उसको डोमिनेट करती है महिला। तो आखिर अगर क्वेश्चन आता है कि हमें किसके अकाउंट से पता चलता है कि साउथ के पांड्या किंगडम में महिला प्रधान समाज था, तो हमें मेगेस्थिनीस की किताब, इंडिगो ने, इंडिका था, ठीक है, यस, वेरी गुड, इट इज इंडिका, वेरी गुड। तो अब देखो कि यहाँ पे मेगेस्थिनीस के अकाउंट से हमें पता चलता है कि पांड्यास को जो किंगडम था वो कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान नहीं था, वो महिला प्रधान था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे रूलिंग मिले हैं हमें, रूलिंग लोग जो महिला से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब देखो, इसका मैप के थ्रू हम लोग किसी को भी देखेंगे तो यहाँ पे मैप के थ्रू हम समझने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो पांड्यास है, ठीक है, ये रहा चीरास, यहाँ पे चीरास का किंगडम है, यहाँ पे चोलास हो गए आपके, और ये रहा पांड्यास किंगडम। पांड्यास का कैपिटल रहेगा मदुरई, ठीक है, पांड्यास का कैपिटल है मदुरई। अब यहाँ पे आज का जो मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट है, आज के जो फेमस, कोई सॉरी की बात नहीं है, इट्स ओके, यहाँ पे जो आज का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं त्रिनोवेल्ली, रामनाथ, मदुरई, तमिलनाडु में जो ये सारे एरिया है आज, वो सब मिला करके पांड्या का किंगडम होता था। और पांड्या का कैपिटल क्या था? मदुरई इसके कैपिटल थे। अब कहीं ना कहीं पांड्यास के बारे में हमें मिलता है पता संगम लिटरेचर से। अभी संगम लिटरेचर क्या है, बस आने वाले कुछ स्लाइड्स में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पांड्यास के बारे में एक तो हमें इंडिका से पता चला, मेगस्थनीज के अकाउंट से, एक हमें मेगस्थनीज के अकाउंट से पता चलता है, और दूसरा हमें संगम लिटरेचर से पता चलता है।
संगम लिटरेचर से ये पता चलता है कि पांड्या के रूलर्स कैसे हुआ करते थे, और बहुत सारे पांड्या के एक दो विजयी रूलर्स के बारे में हमें पता चला संगम के लिटरेचर से। पता चलता है कि जो पांड्या का स्टेट्स था वो बहुत ज्यादा वेल्दी था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पर था। ठीक है, यहाँ पे पांड्या के जो किंग हुआ करते थे उनको प्रॉफिट कमाते थे वो लोग रोमन व्यापार करके, यानी कि कहीं ना कहीं इनकी जो व्यापार होती थी वो रोमन एम्पायर तक होती थी। ठीक है, इटली तक, यूरोप तक इनका व्यापार होता था। तो मेंशन किया गया संगम लिटरेचर में कि पांड्या का जो मेन सोर्स था इनकम का, मनी का जो मेन स्रोत था वो रोमन एम्पायर के थ्रू होता था। ठीक है, उसके व्यापार के थ्रू होता था। और पांड्यास में जो ब्राह्मण्स होते थे उनको बहुत ज्यादा एक बहुत अच्छा सा उनका ओहदा था, वो बहुत सारे फैसिलिटीज एंजॉय करते थे। अच्छा, मैं कल से कोशिश करूंगी। ठीक है, आपने सजेस्ट किया है, मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगी कि हिंदी में स्लाइड्स बनाऊं। ओके, अच्छा, संगम लिटरेचर अबाउट पांड्यास। अब संगम लिटरेचर है जो पांड्यास के बारे में अलग अलग चीज बताता है, वहां के रूलर्स के बारे में बताता है, वहां का एक कहीं ना कहीं राजा कहाँ से टैक्स वसूलता था, वो व्यापार कहाँ कहाँ से करता था। रोमन तक इनका व्यापार है, जो ब्राह्मण्स होते थे वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट करते थे, ये सारी चीजों के बारे में उन्होंने बताया। अब देखो चोलास के बारे में। ठीक है, कि अगर हम चोलास के बारे में देखें तो अब नेक्स्ट जो एम्पायर है हमारा वो है चोलास। यहाँ पे उरायर जो है ये बहुत फेमस है, ये एक नोडल पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है उरायर। यहाँ पे बेसिकली कॉटन व्यापार होता था, कॉटन का ट्रेड होता था। ठीक है, और ये जो कॉटन व्यापार होता था वो कहीं ना कहीं रोमन एम्पायर तक फैला हुआ है, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। तो अब चोला किंगडम के बारे में देखो तो चोला किंगडम को चोला मंडलम भी कहा गया, जिसको एट प्रेजेंट कोरोमंडल कहते हैं। ठीक है, इन अर्ली मेडिवल टाइम वो सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ पांड्यास। तो पांड्या के नॉर्थ ईस्ट में ये सिचुएटेड है, यहाँ पे दो रिवर्स के बीच में है ये चोला किंगडम, दैट इज पेन्नार रिवर और वेल्लर रिवर। वी हैव सम आइडिया ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ द चोला, और चोलास के बारे में भी हमें संगम लिटरेचर से बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पे अगर बात करो तो चोला का जो सेंट्रल पॉइंट था जहां से बहुत सारे व्यापार होते थे कॉटन के, वो था उराइन। यहाँ पे जो एक जो राजा है चोला के वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दैट इज इलारा। ये जो इलारा राजा है उन्होंने श्रीलंका को जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना किस चोला के राजा ने श्रीलंका को जीता था, तो दैट इज इलारा। अब इलारा के बाद देख लो चोला के एक फेमस राजा थे कारिकला। ठीक है, हियर इट इज। कारिकला जो थे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जिन्होंने यहाँ पे एक तटीय प्रबंध किया था पुहार में। ये पुहार है, पुहार को आज हम कावेरी पट्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुहार को हम कावेरी पट्टम के नाम से जानते हैं, और ये पुहार इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो राजा थे कारिकला इन्होंने क्या किया था, एक तटीय अरेंजमेंट किया था कावेरी पट्टनम में। और वहां पे क्या हुआ था, ये जो तट को फॉर्म किया था, तटीय जो प्रबंध किया था इन्होंने, 12,000 मजदूरों, वो मजदूर कौन थे, वो मजदूर थे गुलाम। तो 12,000 गुलामों के द्वारा पुहार में इम्बैंकमेंट बना, मतलब तटीय अरेंजमेंट, जो पूरा का पूरा तट ये जहां पे आकर के जहाज वगैरह रुके, व्यापार वगैरह हो, तो ये कंस्ट्रक्ट कराया था उन्होंने, एम्बैंकमेंट बनवाया था। तो एक चीज अगर आप ध्यान से सुने तो आप समझने की कोशिश करिए कि जो फेमस किंग था चोला, जो चोलास के समय में जो फेमस किंग थे वो थे कारिकला, और कारिकला ने क्या किया था, 12,000 मजदूरों, और वो मजदूर कौन थे, गुलाम। अब ये गुलाम कहाँ से आए, तो यहाँ पे क्या, अभी हमने बात किया था कि राजा ने श्रीलंका को अटैक किया था। ठीक है, अभी जस्ट इसके पहले हमने बात किया था कि किस तरीके से एक जो फेमस किंग थे इलारा, इन्हीं ने क्या किया था, श्रीलंका को अटैक किया।
अब श्रीलंका को अटैक करने के बाद इन्होंने बहुत सारे यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, और उस गुलाम की सहायता से यहाँ पे कावेरी पट्टनम में एक तटीय अरेंजमेंट, उन्होंने एम्बैंकमेंट बनवाया। अब यहाँ पे एक चीज देखो अगर, तो किस तरीके से व्यापार हो रहा है उस चीज को देखो कि किस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस रूट हो रहा है यहाँ पे रोमन एम्पायर तक, यानी कि इनकी जो व्यापार हुई वो कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस व्यापार हुआ यूरोप तक, रोमन एम्पायर तक। बाबू ये सारा चीज हम लोग तमिल स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली साउथ में आ जाओ तो साउथ साउथ के बारे में टोटल किंगडम्स को हम लोग देख रहे हैं। अब वेयर आई वाज, हाँ, अब यहाँ पे जो दूसरा है वो है चीरास। अब चीरास को केरला स्टेट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, केरला, ठीक है, केरला पुत्रास भी कहा गया है चीरास को। अब चेरास को देखोगे तो ये यहाँ पे है चेरास, ठीक है, ये रहा चेरा, और यहाँ पे एक फाइन लाइन है, ठीक है। ये एरिया देखो तो ये मलार कोस्ट का एरिया है, यहाँ पे हो करके यहाँ पे चेरास का किंगडम है सेट हुआ, दैट इज इन तमिलनाडु। और यहाँ पे बोला जाता है कि रोमन एम्पायर के जो एक किंग थे ऑगस्टस, उनका यहाँ पे उन्होंने एक टेम्पल बिल्ड कराया था जो कि रोमन एम्पायर का एक दोस्ती भरा नेटवर्क बता रहा है कि किस तरीके से रोमन एम्पायर और चीरास के बीच में एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप था, एक व्यापारिक रिलेशनशिप था। अब चेरास के हिस्ट्री के बारे में देखो तो चेरास, चोलास और पांड्यास, ये तीनों फेमस रहे हैं आपस में लड़ाई करने के लिए, ठीक है। ये तीनों आपस में स्ट्रगल करते थे, यस गुड मॉर्निंग, ये तीनों आपस में फाइट करते थे और अपना पावर ये लोग बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। तो यहाँ पे बताया गया है कि चेरा का, अगर आप चेरास के बारे में जानो तो ये मोस्ट फेमस रहे हैं बैटल्स के लिए, लड़ाई के लिए। चेरास का चोलास और पांड्यास के साथ लगातार फाइट हुआ है, और यहाँ पे एक शोध के द्वारा पता चलता है जो चीरा के फादर, चीरास जो थे वो फादर ऑफ चोला किंग, चोला किंग के जो फादर थे लाइक करिकला, जिसके बारे में अभी हमने देखा था, जिन्होंने कावेरी पत्तनम में फुहार एम्बैंकमेंट तैयार किया था, तो करिकला जो थे उनके फादर को मारा था चीरास ने, और बाद में कहीं ना कहीं शादी के अलायंस के द्वारा इनका एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गया। फिर यहाँ पे बोला जाता है चीरा ने क्या किया था, चीरा ने पांड्यास के साथ मिल करके एक, जस्ट अ मिनट, देखो चीरास प्लस पांड्यास ये लोग अपना एक नेट, एक अपना ग्रुप तैयार किया इन्होंने, और चोलास को हराने का कोशिश किया। अब ऐसा बोला जाता है कि चोलास जीत गए, चोलास हरे हारे नहीं, और चोलास ने क्या किया, चेरास के राजा जो चेरा का किंग था जिसका नाम था उथियन चेरा लथन, ठीक है, उथियन चेरा लथन, इस राजा को इन्होंने बहुत ज्यादा घाव दे दिया शरीर में, और कहीं ना कहीं ये जो चेरा के राजा थे उथियन, इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किस चेरा के राजा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मसार हो गए थे कि हम पांड्यास के साथ मिल करके भी चोलास को नहीं हरा पाए, और चोलास ने बहुत बुरी तरीके से इनको अटैक किया था और इनको बहुत बुरी तरीके से घायल किया था। तो चोला के जो चेरा के राजा थे जिनका नाम था उथियन चेरा लथन, उन्होंने क्या किया था, सुसाइड कमिट किया था। अब व्यापार के बारे में देख लो और किस किस सामान का व्यापार करते थे ये देखना हम लोग को। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे व्यापार होते थे, देखो दो तरीके का व्यापार होता है, एक इंडिया के अंदर और एक इंडिया के बाहर, यानी कि बाहर भी ये लोग व्यापार कर रहे थे और इंडिया के अंदर भी व्यापार कर रहे थे।
अब किस किस चीज का व्यापार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल सोर्सेस मिलते थे हमें, जिसका फायदा फॉरेन ट्रेड, जो बाहर से बाहर के देश के साथ व्यापार होता था, वो लोग बहुत ज्यादा इसका फायदा उठाते थे। अब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बहुत सारे मसाले उगाए जाते थे खाने के, यहाँ पे हाथी के दांत को सप्लाई किया जाता था, जिसका बहुत ज्यादा वैल्यू था। ठीक है, कहाँ पे? वेस्टर्न वर्ल्ड में, बेसिकली रोम वगैरह का बात करो तो यहाँ के मसाले, यहाँ का हाथी दांत, यहाँ से ये लोग लेकर के जाते थे, साउथ से लेकर के जाते थे रोमन एम्पायर तक। ये लोग क्योंकि समुद्री इलाका है, तो बहुत सारा पर्ल्स, जो मोती वगैरह होता था, बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन्स होते थे, इन सब को विदेश, दैट इज रोमन एम्पायर या फिर दूसरे दूसरे कंट्री तक भेजा जाता था। कॉटन और सिल्क का व्यापार होता था, और ग्रीक में बहुत सारे सामान का जो इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं साउथ के व्यापार के साथ ही है। जैसे ग्रीक में राइस है, जिंजर है, सिनेमन है, ये सारे जो अलग-अलग मटेरियल का इस्तेमाल होता है खानों में, ये सारा, ये जो टर्म आया, ये यहाँ के व्यापार के द्वारा ही वहां पे डेवलप किया। अब एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझने का कोशिश करो कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रहा है, और खेती में क्या है? सरप्लस। सरप्लस का क्या मतलब होता है? सरप्लस का मतलब होता है कि अधिक, जितना आप उपभोग कर सकते हो, जितना उपभोक्ता, जितने कंज्यूमर्स हैं, उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे खेती हो रही है। और जितनी ज्यादा खेती होगी उतना ज्यादा व्यापार होगा, जितना ज्यादा व्यापार है उससे उतना ही ज्यादा टैक्स आएगा। अब ये लोग देखो, ट्रेड टैक्स और वॉर के बारे में हम लोग देखेंगे कि कैसे व्यापार हुआ, व्यापार से कैसे ये लोग टैक्स वसूलते थे, और टैक्स से जो पैसा आता था वो लोग लड़ाई में झोंक देते थे। अब लड़ाई किसके किसके बीच में, तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से ये जो राजा थे, पांड्यास के, चोलास के, चीरास के, ये लोग आपस में ही लड़ते थे, एक दूसरे को ही हराना चाहते थे और अपना एक किंगडम सेट करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर ट्रेड टैक्स और वॉर में, तो ये लोग व्यापार कर रहे हैं अलग अलग चीजों का, ये लोग खेती में निपुण हो चुके हैं, खेती के बहुत सारे आइटम्स का ये लोग व्यापार कर रहे हैं। जैसे अभी हमने मसालों का देखा, हमने कॉटन के बारे में देखा, किस तरीके से सिल्क की खेती हो रही है और सिल्क का प्रोडक्शन होकर के दूसरे देश जा रहा है। अब ये लोग क्या करते थे, व्यापार जब हो रहा है तो व्यापार के लिए अलग अलग ऑफिसर्स को ये लोग हायर करते थे। कहीं ना कहीं कस्टम ऑफिसर्स के बारे में जिक्र किया गया है। कस्टम ऑफिसर्स होते थे जो बेसिकली जिस एरिया से व्यापार होता था वहां पे ये ऑफिसर जो सामान होता था उसको नियुक्त कर, उसको देख रेख करते थे, तो बेसिकली कस्टम ऑफिसर का बात आता है। यहाँ पे व्यापार के द्वारा राजा का जो राजकोष था, राजा का जो घराना था, वो पूरा का पूरा भरता था, और उस घराने से वो जो खजाना होता था राजा का, वो कहीं ना कहीं युद्ध में उसको पूरा का पूरा खर्च दे देता था। तो ये राजा का जो खजाना था ये भरता कैसे था? व्यापार से। व्यापार हुआ, टैक्स वसूला गया, और उस टैक्स से राजा फिर वॉर कंडक्ट करता था। यहाँ पे हमने ट्रांजिट ड्यूटीज के बारे में भी देखा, तो आज जैसे हम एक्सपोर्ट ड्यूटीज देते हैं ना, यानी कि हम जब हमारा जो व्यापार होता है बाहर के साथ, जो हम बॉर्डर पे टैक्स पे करते हैं, उसको कहा गया है ट्रांजिट ड्यूटीज। तो बहुत सारे ट्रांजिट ड्यूटीज भी थे, जो मर्चेंट, जो व्यापारी एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे व्यापार करने के लिए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो बॉर्डर पे टैक्स लिया जाता था, तो ये लोग ये टैक्स भी वसूलते थे। किसी सामान का स्मगलिंग ना हो, इसीलिए इन्होंने सोल्जर्स को अपॉइंट किया था। सड़कों पे सोल्जर्स होते थे जो कि सामान के स्मगलिंग को रोकने का काम करते थे, वो बहुत ज्यादा विजिलेंस होते थे। यहाँ पे बोला जा रहा है, ये लोग लगातार जो वॉर करते थे उसमें बहुत सारा आर्मी चाहिए होगा, बहुत सारे आर्मी को मेंटेन करने के लिए मनी चाहिए होगा। ये मनी कहाँ से आता था इनके पास? तो मनी आता था एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ये लोग सामान प्रोड्यूस किए,
उससे उन्होंने क्या किया, व्यापार किया दूर दूर तक, और व्यापार से जो पैसा आया उन्होंने बोर में खर्चा कर दिया। यहाँ की जो लैंड थी वो एक्सट्रीम फर्टाइल उपजाऊ जमीन थी, ये लोग पैडी रागी सुगर केन ये सब उगा रहे थे, बहुत सारा अनाज फ्रूट्स और बहुत सारे मसाले ये लोग प्रोड्यूस करते थे, जो कि दूर दूर तक जाता था, यूरोप तक एक्सपोर्ट होता था, जिससे इनको बहुत सारा पैसा मिलता था। और उस पैसे से वो लोग आर्मी को मेंटेन करते थे, ये लोग अपने आर्मी में अलग-अलग, इनकी जो आर्मी होती थी घुड़सवार होता था उसमें, बहुत सारे एलिफेंट्स होते थे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट का इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था व्यापार आर्मी में। इनकी जो आर्मी होती थी, यहाँ पे जितने भी लोग होते थे आर्मी में, सोल्जर्स होते थे, उनका एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं चोलास चेरास पांड्यास आपस में ही लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए, उस लड़ाई को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सेना का काम होता था, और ये सेना इन्होंने अपॉइंट कराया था। यहाँ पे ऑक्सन एलिफेंट्स कैवेलरी इन्फेंट्री इन सब का इस्तेमाल करते थे, और एलिफेंट्स का बहुत ज्यादा युद्ध में ये लोग इस्तेमाल करते थे। अब ब्राह्मण्स अगर देखो तो ब्राह्मण्स का एक बहुत बहुत ऊपर ओहदा था, ब्राह्मण्स का जो ओहदा था इस समाज में वो बहुत ऊपर दर्जे का था, बहुत ज्यादा ऊपर दर्जे का ब्राह्मण्स का पोजीशन था। इसके बारे में हमें संगम लिटरेचर से भी मिलता है कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे वो एकदम बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंजॉय करते थे, बहुत अच्छा अच्छा चीज, उनका जो समाज में जो ओहदा था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। अब देखो क्या था, व्यापार के द्वारा जो इनकम मिलता था इनको, ठीक है, वो लोग वॉर में खर्च कर देते थे। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो होता था वो किंग को एक बहुत बड़े आर्मी को मेंटेन करने के लिए हेल्प कराता था, ठीक है। अब देखो एक राजा है, तो राजा का जो खजाना है, राजा का खजाना भर कैसे रहा था, भर रहा था टैक्स के द्वारा। टैक्स कहाँ से, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से जो टैक्स हो रहा था उससे। अब ये जो खजाना है, ये खजाना खर्च कहाँ कहाँ होगा, तो देखो कहाँ कहाँ खजाना खर्च होगा, एक तो आर्मी को मेंटेन करने के लिए, दूसरा राजा के दरबार में जो पोएट होंगे, जो कवि होंगे, जो लेखक होंगे, वो उन सारी चीजों में जो ब्राह्मण्स होते होंगे राजा के दरबार में, राजा उनको भी सैलरी देता होगा, राजा उनको भी मनी देता होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, मेरा जो डेली लेक्चर का टाइम है वो 10 बजे से है, डेली यूट्यूब पे 10 बजे से, और कल से आपको जो नोट्स मिलेगा, जो भी स्लाइड रहेगी वो हिंदी में रहेगा, ठीक है। तो आप इस बात को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कि हम लोग कल गुप्ता एम्पायर के बारे में जानेंगे, और उस गुप्ता एम्पायर के बारे में मैं पूरे तरीके से कोशिश करूंगी कि जितना भी नोट्स मिले वो कंप्लीट आपको हिंदी में मिले, जितना भी हमारा स्लाइड रहेगा वो हिंदी में रहेगा, एक्सप्लेन में हिंदी इंग्लिश दोनों का टर्म यूज किया जाएगा, बट स्लाइड्स हिंदी में देने का कोशिश करेंगे। आप ये चीज अपने फ्रेंड से शेयर कर दे ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक साथ जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझ सके, ठीक है। तो 10 बजे डेली यूट्यूब पे क्लास है, वहां पे हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे हिंदी में ही अपने क्लासेस को रखने का, हिंदी में ही स्लाइड्स बनाने का। कल का जो क्लास रहेगा वो गुप्ता पीरियड के बारे में रहेगा और कंप्लीट हिंदी में ही देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ हिंदी में ही रखेगा बेटा, मेरी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि हिंदी में ही रखो, और मैं कोशिश का तो बात ही क्या है, ये हिंदी में ही रहेगा, ठीक है। चलो इतना मैं कह देती हूँ कि कल से जो स्लाइड्स रहेंगे मेरे, वो प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगी हिंदी में ही रहने का। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, और ज्यादा से ज्यादा थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजा का जो खजाना हुआ करता था वो एग्रीकल्चर से भरता था, और वो राजा फिर आर्मी में अपने जो राज दरबारी होते थे उनमें वो पैसे खर्च करता था। राजा का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी था
राजा के दरबार में कोई भी ब्राह्मण रूठ ना जाए। मतलब ब्राह्मण्स का ऐसा पोजीशन था कि ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था और ब्राह्मण्स का दिल कभी भी दुखाया नहीं जाता था। चोलास, चेरास और पांड्यास के केस में ये संगम लिटरेचर से हमको पता चलता है। और बहुत सारे जो ब्राह्मण्स होते थे वो पोएट होते थे, ठीक है, जो राजा उनको रिवॉर्ड देता था। और कई कई जगहों पे तो राजा ने लाखों लाख गोल्ड गिफ्ट किया था ब्राह्मण्स को। अब यहाँ पे जो था ब्राह्मण्स गोल्ड के सिवा, मतलब गोल्ड तो मिलता ही था, साथ साथ बहुत सारे कैश मिलते थे, बहुत सारा जमीन दिया जाता था ब्राह्मण्स को, बहुत सारे रथ दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे, एलिफेंट्स दिए जाते थे। यानी कि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि ये जो चोलास चेरास, ये जो साउथ किंगडम है, यहाँ पे ब्राह्मण्स का एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रोल हुआ है सोसाइटी में। अब तमिल लैंग्वेजेस एंड संगम लिटरेचर। देखो बाबू, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहला तो हम ये समझेंगे कि ये संगम लिटरेचर है क्या। बेसिकली संगम क्या है, क्योंकि ये मतलब ये नाम बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत अट्रैक्टिव है, और फिर लगता है कि भाई ये संगम लिटरेचर क्या। तो बेसिकली होता क्या था, जो लर्नेड पर्सन होते थे, जो ज्ञानी पर्सन, जो ज्ञानी लोग होते थे, वो आपस में एक जगह बैठते थे, अपना जो ज्ञान होता था वो एक दूसरे से शेयर करते थे, और उसको एक जगह कंपाइल किया गया, रखा गया, और वहां से लिटरेचर आया, उस वहां से तमिल लिटरेचर का निर्माण हुआ। तो संगम लिटरेचर का यहाँ पे मतलब होता है, संगम का मतलब होता है जो ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी लोग एक साथ उठते बैठते थे, जब वो लोग एक साथ बैठते थे उनके ज्ञान का आदान प्रदान होता था और उन सारी चीजों को एक जगह संग्रहित किया गया और वहां से तमिल लिटरेचर बना। बेसिकली कहा जाता है कि तीन संगम लिटरेचर, तीन संगम काउंसिल हुए, ठीक है, तीन अलग अलग काउंसिल्स हुए इसके, जहां पे पहला दो काउंसिल है ना, पहला जो दो काउंसिल हुआ उसका उतना प्रूफ हमको नहीं मिलता है, लेकिन जो तीसरा काउंसिल हुआ वहां से बहुत सारा हमें आइडियाज मिलता है, बहुत सारा प्रूफ मिलता है। और तीनों संगम लिटरेचर, मतलब जितना भी तीन काउंसिल हुआ है उस सबको मैंने आने वाले स्लाइड में मेंशन किया है। तो बेसिकली संगम का मतलब क्या है, संगम का मतलब होता है नॉर्मली ग्रुप ऑफ पीपल, एक साथ जो ज्ञानी लोग बैठते हैं, आदान प्रदान करते हैं अपने विचारों का, उनको एक जगह कंपाइल किया गया, वहां से तमिल लिटरेचर बना। तो ये बेसिकली तीन काउंसिल हुआ संगम का, तीन काउंसिल, और पहले दोनों काउंसिल का उतना प्रूफ नहीं है, लेकिन तीसरे काउंसिल का बहुत सारा प्रूफ है हमारे पास। तो संगम का मतलब होता है कॉलेज या फिर असेंबली, जहां पे जो पोएट्स होते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे, वो अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे, और इस असेंबली को कहीं ना कहीं पेट्रोनेज मिलता था राजा से। तीन तीन काउंसिल हुआ, तीन तीन असेंबलीज हुए, जहां पे पहले दो असेंबलीज का उतना प्रूफ नहीं है, लेकिन थर्ड असेंबली का बहुत ज्यादा प्रूफ है हमारे पास। तो थ्री संगम हुआ, जो तो पहला संगम हुआ वो कहा जाता है द फर्स्ट संगम जो था मदुरा में हुआ था, ठीक है, फर्स्ट संगम हुआ था मदुरा में, और कहा जाता है कि ये जो है, ये जो प्लेस है वो पानी के अंदर पूरी तरीके से डूब गया। अब ये कितनी सही है कितनी गलत है ये बात तो नहीं पता, लेकिन जो साक्ष्य नहीं है, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है, उसके बारे में हम उसको एज अ प्रूफ हिस्ट्री में नहीं रख सकते। तो जो पहला संगम हुआ था ये मदुरा में हुआ था, और ऐसा माना जाता है जो सेंट अगस्त्य थे उन वो इस ये जो पहला संगम हुआ था उसको नेतृत्व कर रहे थे सेंट अगस्त्य। यहाँ पे जितना भी फर्स्ट वर्क था संगम का, यानी कि संगम पहला जो संगम, पहला जो काउंसिल हुआ, उसमें जितनी भी बातें लिखी गई, ठीक है, वो सारी की सारी पेरिश्ड, मतलब खराब हो चुकी है, और वो जो प्लेस है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब गया है। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमारे पास उतना प्रूफ नहीं है, ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बोला जाता है कि 89 किंग मिल करके पहला जो संगम हुआ था, पहला जो काउंसिल हुआ था, उसको पेट्रोनेज किए थे।
अब यहाँ पे देखो सेकंड जो संगम है, ये सब इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड जो संगम हुआ था ये कामतपुरम में हुआ था। सेकंड ये देखो सेकंड संगम, जस्ट अ मिनट, सेकंड संगम हुआ था कामतपुरम में जो अलावई में है अभी, और कहा जाता है ये भी पानी के अंदर डूबा हुआ है। इसको भी जो नेतृत्व किए थे वो सेंट अगस्त्य किए थे, ठीक है। यहाँ पे तोलकापियम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है तोलकापियम। अब ये तोलकापियम क्या है, तमिल का ग्रामर का एक इंसाइक्लोपीडिया कहा गया है, ठीक है। तो तोलकापियम एक इंसाइक्लोपीडिया है कंप्लीट तमिल ग्रामर का, ओके। और ये इस सेकेंड संगम का बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। दिस इज द ओनली बुक, और ये जो तोलकापियम है ये इकलौता बुक है जो अभी तक सेकेंड संगम का बचा हुआ है। बाकी सारे जो बुक है सारे बुक नष्ट हो गए हैं। अब ये जो तोलकापियम है, ये तोलकापियम कहाँ, किसको, किसने लिखा? तो तोलकापियम जो संस्कृत बोल रही हूँ मैं, जो तमिल का ग्रामर बुक है इसको लिखा है तोलकापियर ने। और तोलकापियर कौन है, जो अगस्त्य मुनि थे उनके ये डिसाइपल है, उनके ये चेले हैं। और ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है जहां पे कंप्लीट तमिल ग्रामर के बारे में नॉलेज हमें मिलता है। अब थर्ड जो है, थर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बारे में हमारे पास प्रूफ है। तो थर्ड संगम लिटरेट, जो थर्ड संगम काउंसिल हुआ वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था। और इसको मतलब इसका पेट्रोनेज किसने किया था, इसका जो कहीं ना कहीं तुम देखो तो ये जो नेकर थे, नकिरार, ठीक है, नकिरारस भी कहा जाता है, उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। इसके अंतरक्ष मतलब इनके नेतृत्व में हुआ था ये। यहाँ पे बहुत सारे पोएट्स, बहुत सारे राजा हैं जो थर्ड लिटरेचर, जो थर्ड संगम हुआ उसके उसके थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक किताब लिखा गया था कुरल, ये जरूरी है आप देखिए कुरल। और कुरल को लिखने वाले कौन थे, तिरुकुरल। ये जो किताब है ये प्योर फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है, दर्शन शास्त्र के ऊपर बेस्ड है। द मोस्ट फेमस राइटर, जो थर्ड संगम के जो फेमस राइटर थे, बस दो स्लाइड, दो तीन स्लाइड्स और हैं, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राइटर रहे वो सीता सत्यनारायण रहे। ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है याद करना। अब देखो संगम लिटरेचर दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक नरेटिव और एक डिटेक्टिव। यहाँ पे अगर बात करो तो नरेटिव जो टेक्स्ट है वो मेल कन्नकु है, ठीक है, मेल कन्नकु कहो या फिर 18 मेजर वर्क्स मिले हैं इसमें। यहाँ पे डिडेक्टिव जो है वो केला कन्नकु है। अब यहाँ पे सोशल इवोल्यूशन के बारे में पता चलता है, यानी कि जब संगम लिटरेचर को देखोगे तो यहाँ के लोगों के बारे में पता चलता है कि बेसिकली यहाँ के जो लोग थे वो बहुत सारा वॉर करते थे, ये लोग पशुपालक में विश्वास रखते थे, एग्रीकल्चर होता था, ये सारा चीज। तो चलो आज का वीडियो हमने यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ आज का वीडियो। और कल के वीडियो को मैं हिंदी में रखने का जो भी स्लाइड्स है कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आज हमने संगम लिटरेचर के बारे में देखा, साउथ इंडिया का हिस्ट्री देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और PSYT रेफरल कोड इस्तेमाल कीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है जहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अभी तक अगर आपने लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है मुझे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक को फॉलो कीजिए। वहां पे स्पेशल क्लासेस होते हैं, बहुत सारे पोल्स कंडक्ट कराए जाते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजों के बारे में नॉलेज दिया जाता है ताकि लर्निंग और स्ट्रांग हो सके हमारी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे, आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन करो। चलो थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वेरी